ओके गाइस, जब से रितु रिबॉक को इंडियन आइडल से निकला है, हर कोई इंडियन आइडल का ऊपर में आवाज़ उठाने लग गया रितु रिबॉक को जस्टिस मिलना चाहिए बोल के। तो हम लोग का जैसे छोटा मोटा यूट्यूबर, हम लोग भी उसका ऊपर में वीडियो बनाते जा रहे हैं, मीन्स रितु रिबॉक को जस्टिस मिलना चाहिए बोल के। और हम लोग भी इतना तक ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग का आवाज़ को ये मीडिया तक पहुँचाएगा, हम लोग का आवाज़ को पूरा वहाँ इंडियन आइडल तक पहुँचाएगा बोल के हम लोग भी इतना तक कोशिश कर रहे हैं। एंड लेकिन क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि हर किसी का, मीन्स जब से रितु रिबॉक इंडियन आइडल से निकला है, रितु रिबॉक को तो कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ में बैठ रहे हैं, क्या हो गया, ऐसे ऐसे भी हर किसी का क्वेश्चन आ रहा है। तो रितु रिबॉक उन्होंने वीडियो बना के तो वो अपना सोशल मीडिया में जो शेयर किया था, तो उसको मेरा ये चैनल में आप लोग को भी हम थोड़ा सा उसका वीडियो को हम डाल के प्ले करके आप लोग को दिखाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। एक्चुअली मैं रितु रिबॉक का वीडियो को मेरा ये चैनल पर अभी इसलिए डाल रहा है कि कोई कोई होता होगा, मीन्स रितु रिबॉक का ये सोशल मीडिया में उसको कनेक्ट नहीं होता होगा, लेकिन वो मेरा चैनल पे भी कनेक्ट हो के रखा होगा, तो कोई इसका फ़ैन होता होगा जो मेरा चैनल पे भी अभी कनेक्ट है, उसको अपडेट नहीं मिल रहा होगा, तो मेरा यहाँ से अभी हमें शेयर करेगा तो उसको भी अपडेट मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करके रितु रिबॉक आप लोग के लिए, हम सब के लिए क्या बोले आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखना। हेलो गाइस, तो वैसे कहने को तो बहुत कुछ है मेरे दिल में, फिर भी अभी एक ही साथ में अगर मैं सब कुछ बोलने लगूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा बन जाएगा। फिर भी मैं आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि जो प्यार आप लोग दे रहे हो मुझे अभी, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड गाइस। एंड इतना सारा प्यार एक ही साथ में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कभी फील नहीं किया एक्चुअली, तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। एंड मैं इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, और बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो मैंने ऑडिशन पे सॉन्ग गाया था एंड जो थिएटर राउंड पे सॉन्ग गाया था जो मैंने कंपोज किया था, तो उसका एक ऑफिशियल वर्जन या फिर एक फुल वर्जन रिलीज करने को, तो मैं बहुत ही जल्द रिलीज़ कर लूँगा, पर थोड़ा तो समय लगेगा क्योंकि इस पर एक प्रॉपर एक प्लानिंग करना होता है, इस पर अगर आप फुल आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो समय तो लगेगा, बट मैं जल्दी कर दूँगा रिलीज़ एंड आप सभी को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं एक छोटा सा जो मैंने सॉन्ग गाया था थिएटर राउंड पे मैं कवर कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड इसका फुल वर्जन जल्दी आ जाएगा, मैं अपडेट देता रहूँगा बीच में आप सभी को। तो या गाइस, लेट्स गो। जितन धूप लगे आवे तमे छाव बन जावे, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावे, मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूँ, तेरा बन के रहूँ सदा में परछावा, तू मेरे हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है, तू मेरी हीर में तेरा रांझा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनी सोनी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइस, आई होप आप सब मेरा ये वीडियो शेयर करने वाला को पसंद किया होगा। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।